कारपेंटर। कारपेंटर? तुम गलत पते पे आए हो, यहाँ कारपेंटर की जरूरत नहीं है। एड्रेस सही है, बुलवाया। किसने बुलाया? सुरेखा मैडम ने। कांता भाई आने दो उसे। बोलिए मैडम। वो कांता भाई एक काम करो, तुम मार्केट जाकर ना बिरयानी के राइस ले आओ, मुझे अमन के लिए बिरयानी बनानी है। मेम साहब राइस तो है। अरे मुझे आज पनीर खाना है, तो पनीर तो नहीं होगा, तो तुम जाके पनीर ले आओ। मेम साहब पनीर भी फ्रिज में रखा है। लगता है मैडम आपकी भाई बाहर निकलने में शर्माती है। कांता भाई ऐसा क्या है जो हमारे किचन में नहीं है? शक्कर नहीं है मैम साहब। वो ले आओ, जाओ जाओ। बोलिए मैडम क्या काम है? तुम्हें यहाँ किसी को किडनैप करना है। किडनैप? किसका? इसमें उसकी तस्वीर है। मैडम का क्या चक्कर है? कारपेंटर तो नहीं लगता, जरूर कुछ लफड़ा है। ये तो आपकी बेटी है ना मुस्कान? हाँ मेरी बेटी मुस्कान, इसी का किडनैप करना है और किडनैप करके बदले में मेरे पति अमन से पैसे मांगने। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो तुमने मुझे फोन किया? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, जब मैं घर पे होता हूँ मुझे फोन मत किया करो, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो अमन। सर क्या लेंगे आप? बाद में। देखो अगर सुरेखा को जरा भी शक हो गया होता तो तुम्हें अंदाजा है क्या हो सकता था? मुझे क्या पता कि तुम घर पर ही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अमन तुम मुझे मेरे पति से छुटकारा कब दिला रहे? मैं तंग आ गई हूँ उसे अमन, मैं उसे एक मिनट भी नहीं झेल सकती, तुम समझ रहे हो? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओके मेरी एक बीवी है, एक छोटी बच्ची है, मैं एक झटके में तो फैसला नहीं ले सकता ना। मेरी भी एक बेटी है लेकिन मैंने फैसला ले लिया ना। ये बात तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी ना जब मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। देखो ये सब बातें छोड़ो, इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, राइट? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस छुटकारा चाहिए। आई जस्ट कांट टेक दिस एनी मोर। ठीक है मुझे 2-3 दिन दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कम ऑन नाउ स्माइल।
रोमन बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना। रुकिए गाड़ी अभी, रोमन कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना बेटा। कौन है ये? दूसरी वाली कौन है? तुझसे पूछ रहा हूँ। ये कौन है? बोल नहीं तो ठोक दूंगा यहीं पे। मालूम नहीं। अरे दोनों उठाओ। मैं तेरे को फोन करता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फोन क्या हुआ, रो क्यों नहीं रहा? कहीं पता नहीं चल रहा, मैंने सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही वो। क्या बोल रही है? मैं उसके स्कूल भी गई थी तो उसके टीचर ने बोला कि वो बाकी बच्चों के साथ चली गई है, लेकिन मैंने वो बच्चों से भी पूछा तो किसी को नहीं पता नहीं कहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या यार, तू एक बच्ची का पता नहीं रख सकती है? क्या करती है तू, इतनी लापरवाही क्यों बरतती है तू? अच्छा तो आपने बाप के सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाए है ना, कभी बच्चे को स्कूल में छोड़ने तक गए आप? क्या किया आपने? यार मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ने की बात नहीं है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, आप कहीं से भी मेरी बच्ची को ला दो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। पता नहीं वो कहाँ, किस हाल में होगी। फ्रेंड के पास कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ है वो लड़की? सर हमने उसे यहाँ ही देखा था, यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और इसलिए हमने आपको कॉल किया। कौन तो है यहाँ पे? पंकज रे, जरा आसपास चेक कर लो, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर हम लोग गाड़ी से आ रहे थे और रोड पूरी खाली थी, और अचानक से ये लड़की हमारे कार के सामने आ गई। निशी, निशी क्या हुआ? शनाया हम उस लड़की को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तू वापस जाने की बातें कर रही है? तू पागल हो गई क्या निशी? अगर हम लोग वापस गए तो सबके सब फंस जाएंगे। पर एटलीस्ट हम उसे हॉस्पिटल तो लेके जा सकते हैं ना, सोचो अगर हम उसकी जगह पे होते तो। यही तो थी, कहाँ गई? तो उधर देख, मिली? नहीं मिली। तुम्हें मिली? वहां पर भी नहीं है वो। सर सर वहां तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, जिंदा है, पर यहां से चली गई। अब ये पता करना होगा कि यहां से गई कहां, यहाँ इस जंगल में करने क्या आई थी वो। सर सही है सैंडल, और ये पायल, इस पे खून लगा हुआ है। पायल पे खून? एक्सीडेंट तो वहां उस तरफ हुआ है, यहाँ पे भी खून? इस पायल पे खून लगा हुआ है,
कहीं वो पहले से घायल तो नहीं थी? इसका मतलब यहाँ पे इस तरफ कुछ हुआ है। चीफ, ये देखो कितने सारे किले घुसे हुए, ड्राइवर की कैब। पत्थर पे खून लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर भी कोई नहीं। आइसक्रीम, रिति? सर, गाड़ी में ये किसी रिति नाम की बच्ची का स्कूल बैग था और आइसक्रीम के दो खाली कप्स भी हैं। गाड़ी में बच्चा भी था? सर, सर ड्राइवर की लाश यहाँ पर है सर। पूरा सर फाड़ दिया पत्थर से। ये गाड़ी पे कीले लगे हैं, मतलब जानबूझ के रोकी गई है। यहाँ पे भी खून है, वहां पे भी खून है, ड्राइवर की लाश और एक बच्चा था वो भी गायब। तो वहां उस औरत का एक्सीडेंट, यानी क्या क्या हुआ है यहाँ पे? सर, हो सकता है वो एक्सीडेंट वाली लड़की इसी गाड़ी में हो, या फिर उसने यहाँ ऐसा कुछ देख लिया हो जिसकी वजह से वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागी और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है श्रेया, मगर एक काम करो, इन लोगों से उस लड़की का स्केच बनवाओ और पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है। ये गाड़ी नंबर XZ02WZ1254 आपकी गाड़ी है? जी हाँ, ये तो मेरी गाड़ी है, मेरी बेटी इसमें अक्सर आया जाया करती है। क्या हुआ, कहाँ है वो? देखिए, गाड़ी हमें जंगल में मिली है। क्या, जंगल में? जी हाँ। लेकिन उसमें तो मेरी बेटी थी। देखिए, I'm sorry, मगर गाड़ी में कोई नहीं था, आपकी बच्ची नहीं थी गाड़ी में। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ है? शायद आपकी बेटी किडनैप हो गई है। किडनैप? क्या, किडनैप? मेरी बच्ची को क्यों किडनैप को क्यों करेगा? क्या आपको किसी का फोन आया था, कोई कॉल आया था पैसों के लिए, फिरौती की रकम के लिए? जी नहीं सर, हमें किसी का कॉल नहीं। नहीं सर, कोई कॉल नहीं आया था सर, लेकिन अगर मेरी बेटी की जान को खतरा है तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ सर। आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे, आपके पास लौटा देंगे, हाँ? लेकिन एक बुरी खबर है। क्या? आपकी गाड़ी का ड्राइवर, किसी ने मार दिया उसे। रघु, उसकी लाश? कामिनी, कामिनी कहाँ है? कामिनी? मेरी बच्ची की नानी आया। फ्रेडी, ये कामिनी है? यस, यही है कामिनी। हाँ, यही कामिनी है। देखिए, कामिनी का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन एक बात पक्की है कि वो बहुत घायल है। हमने उसका ये स्केच सभी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में भेज दिया है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये कामिनी और आपकी बेटी रिति कहाँ से आ रही थी? रिति? सर, मेरी बच्ची का नाम रिति नहीं है, मेरी बच्ची का नाम मुस्कान है। क्या? Yes. आपकी बेटी मुस्कान है? रिति? पंकज, जरा बैग दिखाओ इनको। ये बैग और ये बुक्स हमें गाड़ी से मिले, आप पहचानते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बैग, ये बुक्स मेरी बेटी के नहीं है, ये मुस्कान के नहीं है। मुस्कान के नहीं है? कि रिति कौन है? तो ये रिति, रिति के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते? नहीं सर। नहीं सर। रेडी, एक काम करो, इस रिति के स्कूल में जाओ और पूछताछ करो, देखो क्या ये बच्ची खो गई है क्या। हा? क्या ये बच्ची आपकी है? हाँ, ये मेरी बेटी रिति है। कहाँ है ये, आप लोगों को पता है कहाँ है?
देखिए, आपकी बेटी रिति को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? ये क्या कह रहे हो? मेरी बच्ची को कौन किडनैप करेगा? मुस्कान, बिजनेसमैन अमन और सुरेखा की बेटी। आपकी बेटी मुस्कान के साथ ही थी। कौन अमन? देखिए, कौन सुरेखा, कौन अमन, हम नहीं जानते ये सब। आप बताइए ना कि हम जिनको जानते नहीं उनके साथ हमारी बेटी कैसे होगी, प्लीज। अगर आप अमन और सुरेखा को नहीं जानते तो फिर आपकी बेटी उनकी गाड़ी में कैसे है? सर ये आप लोग बताओगे ना कि हमारी बेटी उसकी कार में कैसे पहुंची? आप लोग कौन सी गाड़ी से, तो आप बताओ सर, हमारी बेटी हमको ढूंढ के दे दो सर। सर मेरी बेटी मुझे दे दो सर। देखिए, चिंता मत कीजिए, हम दोनों बच्चियों को ढूंढ कर निकालेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू। शका, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने के? आपकी बेटी? और बॉस, वो तो सुरेखा मैडम की बेटी मुस्कान है ना, आपकी कैसे हुई? अबे जो उसके साथ है वो मेरी बेटी है, रीति। क्या बोल रहे हैं बॉस? और तूने बताया क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं मुझे? कोशिश की थी कि एक और बच्ची है, पर आपने सुना ही नहीं। शका, मेरी बेटी को अभी के अभी मेरे पास लेके आ, अभी के अभी। वो दोनों बच्चियां मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई बॉस। तुम रो मत, हम घर जरूर पहुंच जाएंगे। हम घर कैसे पहुंच जाएंगे दीदी? मैडम घर फिर से आ गए तो आ जाएंगे, तो हम पुलिस अंकल की हेल्प लेंगे। मम्मा पापा बोलते हैं कि पुलिस अंकल गुड अंकल होते हैं। मुझे मम्मा की याद आ रही है। ओहो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम रो मत, मैं तुम्हें मेरे घर ले चलूंगी, फिर मेरे मम्मा पापा तुम्हें तुम्हारे मम्मा पापा के पास छोड़ आएंगे। ए बच्चे, लो का हुआ, काहे रो रही बिटिया है? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बोलो। अंकल, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज आप हमसे बात मत कीजिए। हेल्प नहीं चाहिए? चाहिए, इतनी छोटी उम्र और ये लंबी जुबान। दो बच्चे हैं 5 से 7 साल के बीच, कितना मिलेगा? और सुन, पैसे रेडी रखना और वही लेकर आना, चल। अमन जी, बताइए, जिस वक्त मुस्कान का किडनैपिंग हुआ उस वक्त तुम कहां थे? सर, मैं वहीं था जहां मुझे होना चाहिए था, अपने ऑफिस में, अंधेरी में। तो आपको ऑफिस अंधेरी से मलाड के डिलीशियस फूड रेस्टोरेंट में कब शिफ्ट हुआ? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? संभाले, आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम पहचान करके देते हैं। ये है प्रतीक्षा अमन जी, ये है प्रतीक्षा जिसे आप कौन से रेस्टोरेंट में मिलते थे? डिलीशियस रेस्टोरेंट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे पास सबूत है, ये देखो, तुम्हारे मोबाइल फोन के डिटेल्स, लोकेशंस, सब कुछ। और उस रेस्टोरेंट के वेटर ने हमें सारी बातें बता दी। ये दोनों यहाँ पे आते? हाँ सर, ये दोनों अक्सर यहाँ आते रहते।
अक्सर मिलना होता है वहां पे आपका। क्यों, क्या हुआ कटर पाटिया जी? ये चल रहा था प्यार का चक्कर मेरे पीछे, हाँ? तुमने मेरा भरोसा इस तरह तोड़ा अमन, हाँ? हो गया तुम लोगों का, हाँ? चलो अब तुम दोनों की बारी है। हम दोनों की? मैं समझी नहीं। सर, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं इसकी तरह। तुम गए थे ना सुरेखा से मिलने उसके घर किडनैपिंग से 3 घंटे पहले? सर वो इनके यहाँ फर्नीचर का काम था तो इसलिए। तुम्हारा तो अनाज का कारोबार है तो तुम फर्नीचर का काम करने क्यों गए? फर्नीचर का भी काम करते हैं लेकिन साथ साथ किडनैपिंग की प्लानिंग भी करते हैं। मुस्कान की किडनैपिंग की प्लानिंग क्यों है? नहीं ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे, तुम्हारे बातें सुनी हमने। शाखा मेरी बेटी को अभी के अभी मेरे पास लिख गया, अभी के अभी। क्यों? मैं क्या बकवास कर रहा हूं? किसके कहने पर किडनैपिंग कर रहे थे? किसने कहा? वो मेरे बॉस ने। क्यों? मैंने, मैंने मेरी बेटी को नहीं, मैंने मुस्कान को किडनैप करने के लिए बोला था। क्यों? क्यों, क्यों? ऐसा सुरेखा मैडम ने मुझे बोला। ए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये मुस्कान की मां है, ये भला ऐसा क्यों करेगी? सुरेखा, कटर पाटिया ने जो कहा क्या वो सच है? बताओ जल्दी। हाँ, मैंने किया है सब। क्यों, क्यों किया तुमने ये सब? प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। और मैं क्या करती? अमन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुस्कान के नाम कर दी, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मुस्कान का किडनैप करवा के थोड़े पैसे बना लेती हूँ। बस मैंने सिर्फ ये सब पैसों के लिए किया, सिर्फ पैसों के लिए। कैसी औरत तो? से दूसरी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, आखिर अपना सौतेलापन तुमने दिखाई दिया ना। कटर पाटिया, तुमने गलत काम किया मगर क्या हुआ, तुम्हारे साथ खुद गलत हो गया। चलो ये तो पता चल गया कि किडनैपिंग में कौन कौन शामिल है, अब ये भी बता दो उस रघु का फोन किसने किया था? रघु? नहीं, मैंने नहीं किया। हमने नहीं किया। मुझे नहीं पता सर। किडनैपर्स ने पहले रघु और कामिनी को बेहोश कर दिया और फिर बच्चों को लेकर निकल गए। तो ये सब हुआ 4 और 4:30 बजे के बीच। कामिनी को गाड़ी ने उड़ाया 5 और 5:30 बजे के बीच। इसका मतलब है रघु की मौत हुई, रघु को मारा गया 4:30 और 5:30 बजे के बीच। क्यों बेहोश रघु को क्यों मारा गया है? क्या रघु कुछ जानता था? क्या रघु ने कुछ देखा था? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो, बच्चों को देखा है? कहां पर? बच्चे ठीक ठाक तो है? एक ने यूनिफॉर्म पहना है। गुड, हम लोग पहुंचते हैं। प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए। बच्चे आपके पास हम लेकर आएंगे, आप नहीं जाएंगे। दया, अभिजीत जाओ, बच्चों को लेकर आओ।
हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ साहब, हम ही आपको फोन किए रहे। यही वो बच्चे? हाँ साहब, यही है। कहाँ है बच्चे अभी? वो साहब ई रास्ते से सीधा चले गए साहब, हम पीछा किए। लेकिन साहब ये जवान लड़की है बहुत समझदार। थैंक यू। सर, सुरेखा का फोन बज रहा था, दो मिस कॉल से। आप जानती हैं इस नंबर को? जी नहीं। फोन किया था इसे? नहीं। नहीं? हेलो। हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हाँ साहब, मैनेज किया था फोन। मैं गंगूबाई बोल रही हूँ। हाँ बोलो गंगूबाई। यहाँ पे दो छोटी बच्चियाँ हैं और उसमें से एक बच्ची ने ना ए नंबर दिया और बोली उसकी मम्मी का नंबर है। दो बच्चियाँ है ना, एक ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है? हाँ साहब। अच्छा ठीक है ना, वो लड़कियाँ दोनों मेरे पास ही है। हाँ साहब। हाँ देखिए, आप कहाँ से बोल रही है? मैं शांति गांव से बोल रही हूँ साहब। ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन बच्चों को कहीं पर भी जाने मत देना, आप ही के पास रखना। ओके? हाँ हाँ। कैसा? हेलो अभिजीत, तुम लोग शांति गांव पहुँचो। हाँ, वहाँ पर नारियल पूर्णिमा की पूजा चालू है, वहाँ वो बच्चे एक औरत के पास है। हाँ सर, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। यस सर। ओके। आपकी बच्ची ने पहले आप ही को फोन किया, माँ को फोन किया। कैसी माँ है आप? अपनी बच्ची को किडनैप करने जा रही थी? नारली पूर्णिमाची पूजा कुठे होते? हेलो। हेलो, हम लोग सीआईडी से बोल रहे हैं। आपने कॉल किया था ना वो बच्चे के लिए? हाँ हाँ हाँ, हम लोग सभी दरिया की तरफ जा रहे हैं पूजा में। हाँ, बीच की तरफ ना। हाँ, जहाँ बैंड बज रहा है ना, वहीं पे आप आ जाना। ठीक है, हम लोग उधर ही आ रहे हैं। हाँ सर, आ जाना आ जाना। मैडम कहाँ पे हैं आप? यहाँ तो बहुत भीड़ है, आपको कैसे पहचानेंगे? हाँ साहब, हाँ हम लोग दरिया पे ही है। आप आ जाओ ना, जहाँ पे वो बैंड की आवाज आ रही है ना, वहीं पे मैं पूजा में बैठी हूँ।
लोग सीआईडी से हो क्या? आपने कॉल किया था? जी। यही है वो दो बच्चे? हाँ, यही है वो दोनों। ये कहाँ मिले आपको? वो क्या है ना, मैं पूजा में बैठी थी, वो कुछ काम के लिए मैं घर जा रही थी तभी। हाँ, मेरे पास चॉकलेट है बेटा, चलो ना। गायरे आई दाइला, हाँ पोरी का रतन जबाई पोरी का रतन। अरे ताई, ये दोनों मेरी भतीजी है, चॉकलेट के लिए रो रही है ना, चॉकलेट चाहिए ना आप लोग। हाँ बेटा, चॉकलेट के लिए रो रही है। हाँ, चॉकलेट के लिए रो रही है। नहीं आंटी, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, ये अंकल बैड अंकल है। अरे नहीं ताई, ये दोनों मेरी भतीजी, सच्ची बोल रहा मैं। तो अभी बच्चे कहाँ हैं? अरे ये सब बच्चे खेल रहे हैं ना, उनमें ही वो खेल रही थी। यहाँ पे बेटा ये फोटो देखो, इन बच्चों को देखा, ये आप लोगों के साथ खेल रहे? हाँ अंकल, मैंने देखा है। कहाँ है वो? वो तो नहीं, अंकल के साथ चले गए। अंकल के साथ? कौन अंकल के साथ? उनको तो मैं नहीं जानता। हाँ, मुस्कान उस अंकल को अच्छी तरह से जानती है। मुस्कान जानती है? कौन हो सकता है वो? अच्छा, आपसे फोन लिया था ना उसने? हाँ। अपनी माँ के अलावा किसी और को भी फोन किया क्या? मैं तो पूजा में बैठी थी, पर आप देखिए ना इसमें से, मुझे तो कुछ समझता नहीं है। ये तीन नंबर, ये आपके नंबर तो नहीं है? नहीं, ये मेरे नंबर तो नहीं है। ओके। ये पहला नंबर तो सुरेखा जी का, उस पर तो बात हुई नहीं। दूसरे नंबर पे भी बात नहीं हुई। तीसरा नंबर लैंडलाइन का है, ये पता करते हैं, शायद वहीं पे बच्चे हों। हम लोग सीआईडी से हैं और हम आप दोनों को आपके मम्मी पापा के पास ले जाने आए। अच्छा मुस्कान बेटा, आपको ये रीति कैसे मिली? अंकल, मैं गार्डन में खेल रही थी तो मुझे रीति रोती हुई मिली थी। क्या हुआ? मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। कोई नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी घर। मुस्कान, चलो बेटा, लेट हो रहा है ना। दीदी देखो ना, ये रो रही है। बेटा उसके मम्मी डैडी आ जाएंगे उसको लेने के लिए, हमें भी तो लेट हो रहा है ना। चलो अभी आ जाओ। देखो मैं तुम्हें जब इशारा करूँ ना तो उस लाल गाड़ी के पास आ जाओ।
दीदी हाँ मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। अभी आपने खाई थी ना एक आइसक्रीम आधा घंटा पहले। दीदी प्लीज मुझे मन कर रहा है। और दो क्यों चाहिए? प्लीज। चलो ठीक है मैं लाती हूँ, आप बैठो गाड़ी में। ओहो, मैं तो अपना वाटर बॉटल गार्डन में ही भूल गई। आप जाके लेके आइए ना। लेकिन आपको अकेला छोड़ के? प्लीज आप जाके लेके आइए ना। ठीक। अंदर चली जाओ जल्दी। अब तुम अंदर जाके चुपचाप सो जाओ। अरे वाह मुस्कान बेटा, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा मुस्कान बेटा ये बताओ कि आप लोगों को यहाँ कौन लेकर आया? जगन अंकल ने लाया। सर बच्चों के अंकल ने हमारे पास क्यों नहीं लाया? इन्हें यहाँ पर रखने का क्या मतलब है? कहाँ गए? आप लोग कौन है? सीआईडी। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कौन कौन लोग शामिल है इस प्लान में? सर कोई प्लान नहीं है सर। नहीं सर, सर 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 मैं बता रहा हूं, मैं सर मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। याददाश्त अच्छी है तेरी, बता। आप लोग कौन? सीआईडी। कैसी हो? बस पूछिए मत मैडम, इसी तरह अपनी जान बचाकर भागी हूँ। मुस्कान बेबी कैसी है? अच्छी। सो किडनैपर का कुछ पता चला? हाँ पता चला, वो अपने साथ ले आए हैं, आप पहचान लो ने पंकज। परेशान लग रही हो? सॉरी दीदी। जुर्म में साथ देने वाले अनोखे भाई बहन, वाह। मैंने सुरेखा को मुस्कान की किडनैपिंग का प्लान बनाते हुए सुना था। वो किडनैपर से बात कर रही थी, मैंने भी भाई को कॉल किया। हम लोगों ने भी किडनैपिंग का प्लान बनाया। किडनैपिंग के बाद मैं होश में आई। हेलो हेलो, हाँ किडनैपिंग हो गई क्या? तेरे बाइक के पंचर के चक्कर में मेरा लाखों का नुकसान हो गया यहाँ। अब फोन रख तू, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखती हूँ मैं, फोन रख।
ये सब तूने किया है? मैं भी साहब से, मैं भी साहब को बताता हूँ। रुक तू। रघु, ओह नो, ये तो मर गया। पर मैं वहां से भाग रही थी तभी बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। ठीक हो जाओ जल्दी से, फिर जेल में आराम करना।